नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और वेक्टर स्पेस को समझने में लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस, इसको समझने में आज हमारा ये लेसन 5 है। और इस लेसन 5 में हम कुछ सब स्पेसेस पर एग्जांपल करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ एग्जांपल किए थे सब स्पेस पे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ऐसे थे जहाँ हमको सब स्पेस प्रूव करना था। तो आज की क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि सब स्पेस जो सेट हमको सबसेट हमको दिया गया दैट इज नॉट ए सब स्पेस। ओके, एक काम ये करेंगे। दूसरा, हम थोड़ा सा बहुत ही रॉ टर्म्स में लीनियर कॉम्बिनेशन समझेंगे। इसको प्रॉपरली तब समझेंगे जब हम थोड़ा और आगे पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। बहुत ही सरल शब्दों में आपको आज ही समझ में आएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। दूसरा, मैं आज आपको स्पैन का भी एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि स्पैन एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो स्पैन का आपको, जब तक हम स्पैन को थियोरेटिकली, मतलब जब ये आएगा हमारे टर्न पे, जब हम इसको स्पैन को समझेंगे, तब तक आपको स्पैन से अच्छा खासा वाकफियत हो चुकी होगी, है ना। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय मोहन भटनागर, अन अकेडमी एजुकेटर। और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और फिर से रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक यदि ज्वाइन नहीं किया है तो इसको प्लीज आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सो द लीनियर कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स एंड दिस कॉम्बिनेशन इज लीनियर। अब यहाँ पर हम लीनियर का एक लिटरल मीनिंग नहीं लेने जा रहे हैं। लीनियर का लिटरल मीनिंग तो हुआ कि दैट बिलोंग्स टू ए लाइन, है ना। हालांकि कुछ मामलों में दैट मे बिलोंग टू ए लाइन जब हम एक्चुअली वेक्टर्स की बात करेंगे, वेक्टर एलजेब्रा वाले वेक्टर्स की बात करेंगे। लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करेंगे, यानी कि जो हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो मैट्रिसेस से बना हुआ है, यानी m by n मैट्रिसेस से बना हुआ है जो हमारा वेक्टर स्पेस है, तो ऑब्वियसली वो लिटरल मीनिंग यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए इस लीनियर कॉम्बिनेशन को अभी आगे के कुछ स्लाइड्स में मैं वेक्टर अलजेब्रा वाले वेक्टर्स का ही इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर अलजेब्रा वाले वेक्टर से समझा रहा हूँ, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन शुड ऑलवेज इंक्लूड मैट्रिसेस, फंक्शंस एंड मैनी थिंग्स। ओके, लेकिन इसको हम समझेंगे वेक्टर अलजेब्रा वाले वेक्टर से। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, समझते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब आपके सामने ये एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है R2। ओके, और इसमें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं U and V, ऑब्वियसली इन दिस थिंग। ठीक है, अब मैं इसको हर हालत में मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम यू सम वी। ओके, और मैंने इस यू में एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए यू हो गया। मैंने इस वेक्टर वी में एक स्केलर बी से मल्टीप्लाई किया तो ये बी बी हो गया। माइंड इज वेरी क्लियर। अब इन दोनों का जो सम होगा, यानी ए यू प्लस बी बी, वो ये होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा रफ बनाएं लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा। अब यहां से एक बड़ी सिंपल सी बात ये हमको समझ में आती है कि हम जब ए और बी की जब वैल्यू चेंज करते जाएंगे, मींस हम ए और बी को इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दे देंगे, कुछ भी वैल्यू दे देंगे, तो बेसिकली ये जो वेक्टर है ये हमको अलग अलग तरह से मिलता रहेगा, क्योंकि ए यू और बी वी चेंज होते रहेंगे, तो कभी यहाँ मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, दिस ए यू प्लस बी वी, है ना। ओके, कभी ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, 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 एंड सो ऑन सो ऑन सो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर्स का टू डायमेंशनल स्पेस में, टू डायमेंशनल स्पेस में जो दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये हमको पूरा स्पेस तैयार करके दे रहा है। पॉइंट इज क्लियर। ये जो स्पेस है, जो टू डायमेंशनल का स्पेस है, पूरा स्पेस तैयार हो रहा है इस लीनियर कॉम्बिनेशन से बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब इसको 3D स्पेस में देखते हैं। अच्छा हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास, अगर ये अभी आपको मैंने समझा दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा भी एक सिस्टमेटिकली लिख लेता हूँ, एक मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये जनरलाइजेशन आगे मेरे को काम आने वाला है। तो V एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड के, और V1 और V2 दो वेक्टर हैं V के, जो हमने पहले U और V ले रखे थे। तो पॉइंट इज क्लियर। ओके, और स्केलर है हमारे पास AI, यानी कि A1 और A2 हमारे पास स्केलर्स हैं यहाँ से, जिनको हमने पहले
ए और बी ले रखा था. ओके तो ए हैज बीन रिप्लेस बाई ए वन एंड बी हैज बीन रिप्लेस बाई ए टू वन थिंग एंड यू हैज बीन रिप्लेस बाई वी वन एंड वी हैज बीन रिप्लेस बाई वैक्टर वी टू. ओके देन एनी वैक्टर इन वी ऑफ द फॉर्म ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, जिसको हमने अभी यहां पर इस तरह से लिखा था पिछली स्लाइड में, ओके इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन. द पॉइंट इज ऑफ ऑफ वी वन एंड वी टू. तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है, ये जो दो वेक्टर्स थे हमारे पास u एंड v, इसको मैंने v1 v2 लेके और स्केलर्स को a1 a2 लेकर मैंने इसको जनरलाइज कर दिया. ओके अब इसको मैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक्सटेंड करता हूँ. ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस है. ओके और यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं. वेक्टर कौन कौन से हैं? u v और p. ओके ओके ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं इसमें. अब जब हम इनको इनका अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि ए यू क्या होगा, बी बी क्या होगा और सी पी क्या होगा, ये आप समझ गए. लेकिन इसका जो सम होगा वो एक बार बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये यू था, यहां तक यू था तो ये ए यू हो गया. ओके क्लियर. और ये जो है चूंकि ये इसके पैरेलल है इसलिए अगर ये यहां पर वी था तो ये इतना बी वी हो गया, तो इनका सम ये हो गया इस प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर. ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर. तो ये जो ये वाई एंड दिस इज जेड, ये वाई. ओके ये हो गया इनका, यानी कि इतना हिस्सा ए यू प्लस बी वी हमको ये मिल गया. सो दिस इज ए यू प्लस बी वी. ओके अब इसमें मैंने एक वेक्टर और जोड़ा, ये वाला जो z एक्सिस के अलोंग है. तो z एक्सिस के अलोंग अगर एक यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जांपल मतलब एक वेक्टर मेरे पास p था, तो मैंने ये p वेक्टर था, लेट अस नॉट से इट यूनिट वेक्टर, ये p था लेकिन मैंने इसको c से मल्टीप्लाई किया तो ये cp हो गया, यानी कि ये हो गया. तो जब ये वेक्टर और ये वेक्टर जुड़ा तो मेरे को ये वेक्टर मिला, ये वाला वेक्टर. ओके एंड दिस इज au प्लस bb प्लस cp. बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अब जैसे जैसे मैं a, b और c की वैल्यूज बदलता जाऊंगा इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, मैं इस पूरे स्पेस को, इस पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस को मैं क्रिएट कर लूंगा. वेरी सिंपल सिंपल. तो ये जो है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है तीन वेक्टर्स का, R3 में मैंने तीन वेक्टर्स लिए जब मैं थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूँ. वैक्टर्स हैं यू वी पी और उनके डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे को ये पूरा का पूरा जो वेक्टर स्पेस है इसको तैयार करके दे देंगे. इसको हम बोलेंगे जनरेट करके दे देंगे या स्पैन कर देंगे. अब मैं फिर से R2 पर आता हूं. यहां पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास ये जो दो वेक्टर हैं U एंड V, इनका ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस पूरे R2 स्पेस को, यानी कि एक्स वाई प्लेन को हर हालत में स्पैन कर देगा, जनरेट कर देगा. सिंपल, जैसे जैसे मैं ए और बी की वैल्यू को वेरी करता जाऊंगा. ओके ये अभी मैंने आपको समझाया कि ए यू बी बी ये बन गया. जब मैं ए और बी की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये तमाम ये वेक्टर्स इस तरह से बनते जाएंगे. ओके क्लियर. और ये यहीं तक नहीं रहेंगे, आप ये आप इनफाइनाइट तक, मतलब आप चाहे जितनी भी बड़ी लेंथ के बना सकते हैं, ये पूरे स्पेस को कवर कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पर ए और बी की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ने दो वैक्टर के साथ, यू और बी के साथ, पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करती है. ओके या जनरेट करती है. तो हमारे पास स्पैनिंग वेक्टर यहां पर हुए यू एंड बी. टू डायमेंशनल स्पेस में हमारे तो स्पैनिंग वेक्टर हुए जिन्होंने पूरे स्पेस को स्पैन कर दिया, जनरेट कर दिया, वो दो वेक्टर्स हुए यू एंड बी. अब एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि मैं यू एंड बी को हर हालत में आई एंड जे से भी रिप्लेस कर सकता हूं. जो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स हैं या बेसिस हैं, या बेसिस हैं मैं इससे भी रिप्लेस कर सकता हूं. यानी कि मैं आपको ये बताने की मैंने यहाँ प्रयास किया है और आपको शायद समझ में भी आ गया है कि आई और जे से तो हर हालत में स्पैन हो जाएंगे. क्योंकि अगर मेरे पास आई ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आई है, ये जे है, तो कोई भी वेक्टर ऑब्वियसली एक्स आई सॉरी प्लस वाई जे के रूप में लिखा जा सकता है. और एक्स और वाई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होंगी हमको पूरा का पूरा टू डायमेंशनल स्पेस स्पैन हो जाएगा. तो मेरे पास जो बेसिस वेक्टर्स हो, यानी कि जो मेरा वेक्टर जो इसको वेक्टर स्पेस को जो स्पैन कर रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं, वो यू वी हुए जो कि नॉन यूनिट वेक्टर हैं, नॉन यूनिट वेक्टर हैं, या ओके नॉन यूनिट वेक्टर हैं या यूनिट वेक्टर हैं. ओके सिंपल. इन दोनों को जो किसी भी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, हम बेसिस बोलते हैं. क्लियर, बेसिस बोलते हैं.
अब हम अपने R3 पर आते हैं। हमारे पास यहां पर तीन वेक्टर्स हैं U, V एंड P। ये तीन वेक्टर्स इस पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बेसिस वेक्टर्स हैं, लेकिन हर हालत में मैं x एक्सिस के अलोंग i वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग j वेक्टर और z एक्सिस के अलोंग k वेक्टर, जहां पर i j के यूनिट वेक्टर्स हैं, मैं हर हालत में ले सकता हूं। और ये जो पूरा जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, इन तीन के जरिए जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं, इन तीन के जरिए स्पैन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को मैं हर हालत में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकूंगा किसी भी वेक्टर को। ओके, तो इसलिए आई जे के को इस्तेमाल करके जो यूनिट वेक्टर्स हैं, मैं इस पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर लूंगा। तो ये मेरे लिए बेसिस वेक्टर हुए। ओके, तो बेसिस मेरे पास दो तरह की हो गई। ऑब्वियसली एक बेसिस ये हो गई जो यूनिट नहीं है, और एक बेसिस ये हो गई जो यूनिट वेक्टर्स नहीं है, और दूसरी बेसिस ये हो गई जो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स। पॉइंट इज क्लियर? तो आपको बेसिस समझ में आ गया। बेसिस वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं। नंबर एक, आपको ये समझ में आ गया कि बेसिस वेक्टर क्या होते हैं, है ना? ये हमने पहली क्लास में भी समझा था, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा जो चीज़ आपको समझ में आई वो ये आई कि अगर आपके पास 2D स्पेस है तो आपको दो बेसिस वेक्टर चाहिए, अगर वो चाहे यूनिट वेक्टर्स हो या नॉन यूनिट वेक्टर्स हो। अगर आपके पास 3D स्पेस है तो आपको 3 बेसिस वेक्टर चाहिए। ओके, अब हम इसको आगे जनरलाइज करेंगे। पॉइंट इज वेरी क्लियर? ओके, और लीनियर सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ चीज, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, ठीक है? और फाइनली आपको स्पैन समझ में आ गया। पांच चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूं 3D स्पेस के लिए, लेकिन उससे पहले जैसे हमने 2D में किया था, यहां पर भी हमारे पास हम इनको रिप्लेस कर देते हैं V1, V2 और V3 से। और ये जो A, B और C जो था, इसको मैंने A1, A2, A3 से रिप्लेस कर लिया। तो ऑब्वियसली एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3। पॉइंट इसके लिए, तो मैंने यहाँ जनरलाइज कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, अब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए। तो सॉरी, M है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, M, मैंने यहाँ पर M ले लिया है। तो यहाँ पर ये M डायमेंशनल स्पेस है, मेरे पास M वेक्टर्स V1, V2, Vm है, और मेरे पास M स्केलर्स हैं A1, A2, A3 अप टू Am। तो ऑब्वियसली एनी वेक्टर ऑफ द फॉर्म A1, V1 प्लस A2, V2 एंड सो ऑन अप टू Am, Vm, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, एंड इट कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर ऑफ, and obviously this belongs to V, and this U can be written as A1 V1 plus A2 V2, where V is M dimensional. Okay, the point is clear. तो आपको एक raw terms में या rough terms में आपको बिल्कुल हर हालत में समझ में आ गया basis vectors दो तरह के 2D space में दो basis vector होंगे, 3D space में 3 basis vector होंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया और आपको स्पैन समझ में आ गया। जस्ट रिपीटिंग इन एन डायमेंशनल स्पेस पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास एम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसको स्पैन करने के लिए मेरे को एम नंबर ऑफ वेक्टर्स ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमको एक चीज और समझनी होगी कि ये जो वेक्टर हमारे पास हैं V1, V2 और Vm, इनके बेसिस यानी जो इनकी यूनिट वेक्टर्स होंगे बेसिस, पहले हम यहाँ यूनिट बेसिस की बात करेंगे। तो वो पहले भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हर हालत में जो यहाँ यूनिट बेसिस होगी वो होगी E1। यहाँ पर हम आई जे के ना लिखकर E1, E2 अप टू EN लिखेंगे। तो E1 शैल बी इक्वल टू 1000 M टाइम्स M, M, M इसमें ये नंबर है, M डिजिट्स हैं, क्योंकि ये M डायमेंशनल स्पेस है। A2 इक्वल टू 0100 एंड EM इज 0001। पॉइंट इज क्लियर? तो ये यहां पर E1, E2 अप टू EM ये बेसिस हैं
यूनिट बेसिस। ओके अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सब स्पेस से रिलेटेड। ओके अब इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। एक हमको इस वेक्टर स्पेस दिया गया है थ्री डायमेंशनल स्पेस में और शो करना है कि W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V वेयर W इज ए बी सी एंड A इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब W जो है उन वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, पहला कंपोनेंट नॉन नेगेटिव है। ओके अब इसको सब स्पेस नहीं है प्रूव करना बहुत सरल है। हमको सब स्पेस की जो दो डेफिनेशन है वो याद रखनी चाहिए, पहले कि कोई भी सबसेट W किसी वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस होगा यदि यदि जीरो बिलोंग्स टू W, नंबर दो फॉर U एंड V बिलोंगिंग टू W, U प्लस V बिलोंग्स टू W, ये पहला और ये दो का दूसरा, फॉर सम C बिलोंगिंग टू फील्ड स्केलर आई मीन दैट इज स्केलर, C U will belong to W। ये हमको ध्यान रखना होगा। अब ये इमीडिएटली जो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये यहाँ फेल हो जाती है। मैंने एक वेक्टर समथिंग लाइक दिस इस तरह से मान लिया और ऑब्वियसली यदि मैं इसको फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मीन्स माइनस थ्री, तो ऑब्वियसली ये माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन, अब ये कंडीशन फेल हो जाती है। ये कंडीशन फेल हो जाती है बिकॉज बिकॉज माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो और पॉजिटिव। ओके सो दिस वे दिस सबसेट इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ वी। ओके नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस जगह ये जो सबसेट है ये ऐसे वेक्टर से मिलकर बना हुआ है जिनकी लेंथ डज नॉट एक्सीड वन। ओके पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब हमने ये माना कि एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल 100 सम यू एंड ऑब्वियसली लेट अस चेक दिस कंडीशन। सो दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरा वेक्टर हमने माना यहां से इसका इसका मेंबर 0 1 0, ऑब्वियसली यहां पर भी ये कंडीशन फुलफिल होती है। ओके इसका मतलब ये दोनों जो हमने वेक्टर लिए ये इसके मेंबर्स हैं या इसको बिलोंग करते हैं। अब हम यू प्लस वी चेक करते हैं, तो यू प्लस वी बराबर 1 1 1 0, बट नाउ द कंडीशन, जब हम कंडीशन को चेक करते हैं तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 एंड दिस इज बिकम 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 2, बट इट इज नॉट इक्वल टू और लेस देन 1। मीन्स दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड वी इज नॉट ए मेंबर ऑफ W, इसलिए W सब स्पेस नहीं है गिवन वेक्टर स्पेस का। ओके और फाइनली तीसरा, दिस इज रादर वेरी सिंपल, इसको यहीं कर लेते हैं। ओके यहाँ पर हम C को सम रूट थ्री मान लेते हैं, है ना। तो हम ये जानते हैं, अभी पिछली स्लाइड पर आपने देखा है कि अगर ये सब स्पेस है तो ऑब्वियसली इसके किसी वेक्टर U के लिए और किसी स्केलर C के लिए सी यू मस्ट बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। बट अगर हम C को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C को रूट थ्री मान लेता हूँ तो ऑब्वियसली जो वेक्टर मेरे पास बनता है अब वो बनता है रूट थ्री ए रूट थ्री बी रूट थ्री सी। नाउ ऑल दीज नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, दे आर इरेशनल नंबर्स बिकॉज ए बी सी हैव बीन गिवन टू बी रैशनल बट रैशनल व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल विल गिव यू इरेशनल। So this is irrational, this is irrational, this is irrational. So this condition is not qualified. So W is also not a subspace. Okay? Chaliye. Now let us see the next question. V be a vector space of all 2 into 2 matrices over the real field R. Show that W is not a subspace of where W consists of all matrices with zero determinant. This is very simple.
यानी हमारे पास सपोज दो मैट्रिसेस, हमने ये माना, यू लिख देता हूं इसको मैं, और वेयर यू बराबर 1 0 0 1 0, सॉरी, तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट यू बराबर 0, ठीक है, और वी हमने माना सम 0 1 0 1, ओके, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट वी बराबर 0 मीन्स यू एंड वी, ये जो दो वेक्टर्स हमने माने, ये इसको बिलोंग करते हैं। नाउ इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो है ये, यानी ये हुआ 1 1 0 1, ओके, 1 + 0 1 0 + 1 1 0 0 एंड 0 + 1, ओके, बट इसका जो डिटरमिनेंट हुआ वो हुआ 1 - 0 = 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो लीनियर कॉम्बिनेशन डज नॉट बिलोंग टू द सबसेट W, हेंस W इज नॉट ए सब स्पेस, ओके। अब ये वाला देखते हैं, ये तो हो गया पहला, और अब दूसरा वाला देखते हैं, ये भी सिंपल है बहुत। इस क्वेश्चन में हमको ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स दी गई है, जिसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर खुद मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स मान लिया, सपोज यू और वी हमने दो वेक्टर्स लिए बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, और हमने यू बराबर माना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑब्वियसली यू स्क्वायर बराबर ओके, सो दिस इज अगेन द सेम मैट्रिक्स, मीन्स यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये जो यू हमने माना था दैट बिलोंग्स टू द सबसेट डब्ल्यू, ओके। अब नेक्स्ट टाइम हम मान लेते हैं सी यू, और सी की जगह हमने ले लिया सम टू, मीन्स 2u, ओके, नाउ 2u मस्ट बिलोंग टू w, ऑब्वियसली cu मस्ट बिलोंग टू w, cu मस्ट बिलोंग टू w इफ w इज सब स्पेस, हेंस 2u मस्ट बिलोंग टू w, नाउ वी हैव टू सी द मैट्रिक्स 2u इनटू 2u, यानी कि हमको ये वैल्यू निकालनी है, एंड दिस इज 4 + 0 ओके, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 2u, सो इट इज 2u इनटू 2u, सो द रिजल्ट शुड हैव बीन 2u, अगर ये इसका मेंबर w का मेंबर होती तो इस कंडीशन के कारण ओके ओके, बट इट इज नॉट, सो 2u इनटू 2u वी हैव गॉट इक्वल टू 4u एंड नॉट इक्वल टू 2u, हेंस w कंसिस्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस फॉर व्हिच a स्क्वायर इक्वल टू a इज नॉट ए सब स्पेस, ओके, तो जब हमको ये प्रूव करना हो कि कोई स्पेसिफिक सब स्पेस, कोई स्पेसिफिक सबसेट सब स्पेस नहीं है, तो हमको कोई एक कंडीशन को ये प्रूव करना होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं होती, ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, जिसमें खास तौर पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे स्पैन होता है एक सब स्पेस, और आपने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, तो चलिए अब हम आगे क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे।